Hi everyone, welcome to the first lecture, your first text functions for our Power Query. So let's start with the text function. So in this sheet, we are going to cover all related to the text function in Power Query. Now, why Power Query actually? Power Query and regular Excel, दोनों में फर्क क्या होता है? अगर आप Power Query में कौन सा भी formulas वगैरह use कर रहे हैं, that is on the button clicks. More than 200 formulas of Excel are replaced in Power Query just on a button click. Okay, जैसे Excel में हम लोग को कुछ करना है, जैसे हम लोग को ये merge करना है, तो what we are going to use, हम लोग Excel में क्या करेंगे? Equal, concatenate use करेंगे, या and hyphens use करके हम लोग क्या करते हैं? पूरे number of columns को merge कर सकते हैं. Now, we are going to learn in Power Query how it is going to be. Okay, जैसे मैंने already आपको teach किया कि how to pull the data. So already हम लोग का Excel है, Excel का ही data को मुझे, table को मुझे pull करना है, तो I will get from the table range. So from table range लेता हूँ, इसमें मुझे क्या करना है, merge वाला, close करो इसको. Okay, so I want to pull the table, so यहाँ पे देखो, directly pull किधर हो गया data, Power Query Editor. Now, पहला function है हम लोग का merge, क्या करना है, हम लोग को merge करना है. तो merge करते समय देखो, यहाँ पे पावर क्वेरी में पहले ध्यान देना, इसमें आपको दो चीजें आएगा, एक ट्रांसफॉर्म एंड ऐड कॉलम. ओके, ऐड कॉलम एंड ट्रांसफॉर्म में फर्क क्या, देखो मैं यहाँ पे टेक्स्ट में जाऊंगा तो यहाँ पे भी देखो फॉर्मेट एक्सट्रैक्ट पर्स बोल क्या आ रहा है, ट्रांसफॉर्म में जाऊंगा तो भी यहाँ पे देखो टेक्स्ट में क्या आ रहा है, फॉर्मेट एक्सट्रैक्ट सेम ऑप्शन आ रहे हैं कुछ छोड़ के. देन नंबर और डेट देखेंगे तो भी आपको यहाँ पे भी सेम ही दिख रहे हैं ना, नंबर फॉर्मूलेज और डेट फॉर्मूलेज टेम फॉर्मूलेज. सो वॉट इज द डिफरेंट, ट्रांसफॉर्म यानी क्या करेगा, आपका जो भी कॉलम है उसमें ही चेंजेस करके उसको इम्प्लीमेंट करेगा. ऐड कॉलम क्या करेगा, विल ऐड द न्यू कॉलम टू योर डेटा, क्वेरी का जो भी डेटा रहेगा उसमें क्या आएगा, न्यू कॉलम. नाउ बिफोर स्टार्टिंग द पावर क्वेरी फर्स्ट पॉइंट, ओके सो आपको क्या करना है एक्चुअली, सो आपको नया कॉलम बोल के आपको समझ लो हम लोग को तीनों को मर्ज करके नया कॉलम में चाहिए. सो वॉट आई विल डू, आई विल गो फॉर द फॉर्मेट तीनों. अभी यहाँ पे देखो मर्ज कॉलम करना, तो मर्ज कॉलम करना तो आपको पहले सीक्वेंस में आपको कॉलम को सिलेक्ट करना पड़ेगा. नाउ यू हैव सिलेक्टेड पहला प्रोफिक्स, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम. सो आपका मर्जिंग रहते हैं इसमें, पहला प्रोफिक्स आएगा, बाद में फर्स्ट नेम आएगा, बाद में लास्ट नेम. मैं दोनों आप गलती करेंगे तो कैसा हो जाएगा वो भी दिखाता हूँ मैं. सो यहाँ पे देखो ऐड कॉलम, ऐड कॉलम में क्या करता हूँ, यहाँ पे देखो जब मैं एक ही सिंगल सिलेक्टेड है तो मर्ज कॉलम ऑफ है, जब आई सिलेक्टेड मल्टीपल कॉलम्स द मर्ज कॉलम गेट्स ऑन, मैं मर्ज कॉलम पे क्लिक करता हूँ. मैं नाउ मर्ज कॉलम पे क्लिक करने का सेपरेटर यानी मिस्टर और सचिन दोनों के बीच में क्या चाहिए आपको, तो कैसे सेपरेट करना है, जैसा कोलन से करना है, कॉमा, कस्टम से देना है, कस्टम यानी कुछ अलग से सिम्बॉल देना है आपको, तो भी आप यहाँ से सिम्बॉल डाल सकते हैं. फिलहाल मुझे क्या चाहिए, स्पेस, सो एड स्पेस. जो नया कॉलम हो जाएगा उसका नाम क्या देना है आपको, सो आई वांट टू गिव नेम एज अ फुल नेम. ओके, सो यहाँ पे मैं देता हूँ फुल नेम बोल के ऐड करता हूँ, उसको ओके करता हूँ. देखो मैंने ऐड कॉलम किया था, इसके वजह से दिस विल गेट ऐड टू द न्यू कॉलम, ये क्या हो गया, नए कॉलम में ऐड हो जाएगा. नाउ एक्सेल में अगर मुझे अंडू करना है तो कंट्रोल जेड करते, लेकिन पावर क्वेरी में देर इज नो अंडू. यहाँ पे क्या होता है, स्टेप्स रिकॉर्ड होता है. ओके, स्टेप्स रिकॉर्ड होता है यानी कहाँ पे, सोर्स, चेंज टाइप और इंसर्टेड मर्ज कॉलम, यानी यहाँ पे स्टेप्स क्या ऐड हो गया, मर्ज कॉलम. अगर मर्ज कॉलम का फंक्शनलिटी में सेटिंग्स में एडिट करता हूँ तो मैं बाद में चेंज भी कर सकता हूँ, मैं स्पेस के जगह मुझे क्या चाहिए और कॉलम का नेम क्या चाहिए मैं चेंज कर सकता हूँ. अगर मुझे ये नहीं चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस स्टेप्स को डिलीट करना पड़ेगा. सो देर इज नो कंट्रोल जेड, यू कैन एड द स्टेप्स और रिमूव द स्टेप्स. देखो स्टेप्स साइड रिमूव किया, ये आ गया. नाउ यहाँ पे देखो पहला सोर्स, सोर्स से यानी क्या आता है, मेरा फाइल कहाँ से आया है, मैंने पुल किधर से किया, वो वाला रहेगा. देखो यहाँ पे फिर चेंज टाइप में देखेंगे तो डेटा चेंज किया, देखो यानी ये ABC फॉर्मेट रखा, यानी ये डेटा टाइप है, मैं इसके ऊपर अलग से लेक्चर ले लूँगा. सो यहाँ पे देखो अलग 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 आपका डेटा टाइप कौन सा है, सो ABC यानी आपका क्या हो गया, टेक्स्ट टाइप हो गया. क्या हो गया, टेक्स्ट टाइप. तीनों टेक्स्ट है इसके लिए ABC लिया, इसमें कुछ अलग डेटा टाइप रहता तो डेटा टाइप. नाउ मुझे क्या करना है, मैंने ऐड कॉलम किया इसके लिए नया, मुझे क्या चाहिए, नया कॉलम नहीं चाहिए, मुझे ट्रांसफॉर्म करके एक ही कॉलम क्रिएट होना चाहिए. तो देन व्हाट आई विल डू, आई विल गो फॉर द ट्रांसफॉर्म. अभी फिलहाल समझ लो गलती से मैंने क्या किया, फर्स्ट नेम पहला लिया, प्रीफिक्स बाद में लिया, बाद में लास्ट नेम लिया,
आई विल डू लाइक दैट वन. अगर यहाँ पे मैं अगर ट्रांसफॉर्म में मर्ज कॉलम करता हूँ, यहाँ पे मैं स्पेस देता हूँ एक्चुअली, ओके, और इसको ओके करता हूँ, मर्ज बोल के वैसे रखता हूँ. सो देखो पहला क्या आ गया, आपका नाम आ गया, बाद में प्रफिक्स आएगा, बाद में सर नेम. सो दिस इज द रॉन्ग स्टेप्स. अगेन आई डोंट वॉन्ट दिस वंस, दिस इज रॉन्ग स्टेप, आई हैव टू रिमूव द स्टेप्स. वॉट आई हैव टू डू, आई हैव टू सिलेक्ट प्रफिक्स, देन फर्स्ट नेम, देन लास्ट नेम. गो टू द ट्रांसफॉर्म मर्ज कॉलम. मर्ज कॉलम में मैंने क्या लिया, यहाँ पे स्पेस लिया, मर्ज कॉलम को नाम देता हूँ फुल नेम. देखो यहाँ पे फुल नेम करके मेरा कॉलम आ गया. सो यहाँ पे स्टेप्स में फुल नेम आ गया. नाउ इफ आई गो होम, क्लोज एंड लोड, इफ आई गो टू द क्लोज एंड लोड. सो यहाँ पे देखो नया शीट बोल के आ गया. सो ऑलवेज ध्यान में रखना, दिस इज योर एक्सेल क्वेरी आउटपुट. अगर आपको यानी ग्रीन और ये हाईलाइटेड ऐसा दिखेगा, ये ग्रीन वाला टेबल इज योर ऑलवेज क्वेरी आउटपुट. ओके, अगर ये डिफॉल्ट रहेगा, इसका आपने जो भी फॉर्मेटिंग अप्लाई किया रहेगा वो आपका फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगा, लेकिन ऑलवेज क्वेरी का आउटपुट आपका ग्रीन कलर में आएगा. ओके, सो क्वेरी समझ में आया, टेक्स्ट मर्ज. सो हाउ टू डू दैट वन, अगर अगेन इसमें कुछ क्वेरी में मॉडिफाई करना है तो यहाँ पे देखो टेक्स्ट मर्ज बोल के क्वेरी आ रहा है, इसको राइट क्लिक करके आपको क्या करना है, एडिट क्वेरी में जाना है. देन अगेन यू कैन गो टू द क्वेरी एडिटर एंड एडिट द क्वेरीज. सो दैट्स इट फॉर द टेक्स्ट मर्ज. थैंक यू वेरी मच.